जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आपने एक बात पर गौर किया, जब थाली और ताली बजवाना था, जब लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 की घोषणा करना था, तब प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने आए थे, देश से रूबरू हुए थे। मगर लॉकडाउन 3 तक आते आते अब सिर्फ जनता के लिए एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया है और पुष्प वर्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रधानमंत्री अब देश के सामने नहीं आए लॉकडाउन 3 की घोषणा करना। हालांकि एक बात स्पष्ट है कि लॉकडाउन 3 में काफी रियायतें दी गई हैं जो अब तक आपको पता चल गई होंगी, मगर मैं कुछ और आपके सामने मुद्दे उठाना चाहता हूं। 40 दिनों तक तुमने मजदूरों को, गरीबों को उनके घर नहीं जाने दिया, मगर इन 40 दिनों में तुमने ऐसा क्या हासिल कर लिया कि अब उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई है? उसकी मैं बहुत विस्तृत चर्चा आपसे करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा जनरल बिपिन रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। जनरल बिपिन रावत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों की हौसला अफजाई के लिए पुष्प वर्षा करेंगे और तालियां बजाएंगे और उन्हें सल्यूट करेंगे, तमाम चीजें, बहुत ही उम्दा चीज है। जनरल बिपिन रावत अतीत में विवादों में घिरे रहे हैं क्योंकि वह अक्सर भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे में हामी भरते रहे हैं। ऐसी ढेरों खबरें सामने उभर कर आती रही हैं, मगर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जनरल बिपिन रावत मेरे लिए श्रद्धेय हैं, मैं उनकी बेतहाशा इज्जत करता हूं क्योंकि वे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। मगर जनरल रावत, मैं आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। जनरल रावत, यह तस्वीर राजधानी दिल्ली की है। दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। कोरोना के हॉटस्पॉट बने जगजीवन, अंबेडकर और मैक्स अस्पताल, इन तीनों अस्पताल में ही 168 स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव। यानी कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जिन पर जिम्मा है हमारी जान बचाने का, वही सुरक्षित नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं कि इस वक्त इन अस्पतालों में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की क्या हालत है। ये मैंने इसी अखबार के इस ग्राफिक से आपके सामने पेश किया है। सफदरजंग अस्पताल, कुल 13 स्वास्थ्यकर्मी, इनमें 10 डॉक्टर्स कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। एम्स, कुल 20, जिसमें एक रेजिडेंट डॉक्टर्स। लेडी हार्डिंग, 5 डॉक्टर्स समेत कुल 16 कोरोना वायरस से संक्रमित। लोकनायक अस्पताल, कुल 14। स्टेट कैंसर अस्पताल, 3 डॉक्टर्स और 18 नर्सेज कोरोना वायरस से संक्रमित। बाबू जगजीवन राम, कुल 80 स्वास्थ्यकर्मी, 15 डॉक्टर्स। यह मैंने आपको एक छोटी सी झलक दी है, आपको अगर मैं पूरी झलक दिखाऊंगा ना तो आपके होश जो हैं वो फाख्ता हो जाएंगे। यही नहीं जनरल बिपिन रावत, आपके सामने ये एक और खबर। हमारी जो CRPF बटालियन है दिल्ली में, वो कोरोना वायरस का केंद्र बन गई है। 122 केसेस सिर्फ 2 हफ्तों में। ये हमारे अर्ध सैनिक बलों की हालत है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, नो डाउट हमें अपने जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमने ताली थाली भी उनके लिए बजाई थी, हमने मोमबत्तियां भी उनके लिए जलाई थी, मगर दिक्कत क्या, मैं आपको बताता हूं। आज ये आंकड़े लगातार ये प्रमाणित कर रहे हैं कि चाहे हमारे अर्धसैनिक बल हों या हमारे डॉक्टर्स, वो एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भी वो बुनियादी समस्याओं से दोचार हैं, लाचार हैं। क्या आपको ये बताने की जरूरत है कि रोहतक मेडिकल कॉलेज में किस तरह से एक डॉक्टर ने और कई डॉक्टर्स ने वहां पर, जो उन्हें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं थे, यानी PPE, यानी कि ग्लव्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, ये जो तमाम चीजें नहीं थी, और जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया था तो पूरी BJP IT सेल ने उनके खिलाफ एक गंदा और घटिया प्रोपेगेंडा चलाया था। पहले तो ये कहा था ये सब झूठ है, बाद में जब ये पता चल गया कि ये सच है तो उनकी आवाज को ही दफन कर दिया गया था। जनरल रावत, यकीनन हमें फूल बरसाना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि हमारे डॉक्टर्स जो हैं बहुत मुश्किल जंग लड़ रहे हैं।
हमें जरूरी है कि हम बुनियादी मुद्दों की तरफ हमारा ध्यान जाए बजाय कि इन सतही चीजों की हम बात करें। देखिए, इस सरकार के लिए सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा इसलिए नहीं की। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे थे, मगर फिर बाद में ऐसा लगा कि यह घोषणा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को करनी चाहिए। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना तो नहीं होगी, क्योंकि थाली बजाने को लेकर, ताली बजाने को लेकर, मोमबत्ती जलाने को लेकर कई लोगों ने ढेरों आलोचनाएं की थी। और हकीकत यह, मैं आपको बताता हूं, देश के गरीब की कोई नहीं सुन रहा। 4-5 हफ्ते तक हमने उन्हें शहरों में रोके रखा, बदतर हालात में वो जीते रहे, और अब जब उन्हें हमने जाने के लिए कहा है, उनके लिए ट्रेनों का इंतजाम किया है, तो बुनियादी मुद्दे वहीं के वहीं बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, आपके सामने सूरत की ये तस्वीर। सूरत में एक नहीं, दो नहीं, तीन बार मजदूर सड़क पर आ गया है, मगर इसकी कोई कवरेज नहीं हुई। ये लगातार शिकायत कर रहे हैं कि गुजरात के अंदर उनके हालात बद से बदतर है, उनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। फिर जब बांद्रा में मजदूर सामने उभर कर आए थे, तो मीडिया के एक बहुत बड़े धड़े ने इन्हें भाड़े का टट्टू कहा था, इन्हें एक्टर्स कहा था, पैसे के लिए यहां पर इकट्ठा हो गए थे। और यही नहीं, क्योंकि वहां एक मस्जिद था, तो उसे यह भी कह दिया गया कि इन मस्जिद के भड़काने पर यह गरीब मजदूर यहां पहुंचे हैं। अब हमने इनके ट्रेनों के लिए इंतजाम कर दिया है, मगर उसकी चर्चा करने से पहले मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि इस देश के गरीब की हालत क्या है। यह एक क्वारंटीन सेंटर है। यहां पर फाटक के उस पीछे, उस लोहे के फाटक के उस पीछे कुछ गरीब मजदूर हैं, और आप देख सकते हैं इन्हें किस तरह से बिस्किट्स दी जा रही हैं, खाने की चीजें दी जा रही हैं। इससे बहुत ही बदतर हालत आपको याद होगा आगरा में थी, और अब ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। ये हालत है क्वारंटीन सेंटर्स में हमारे गरीबों की, जब उनकी देखभाल करने वाले भी उनकी देखभाल करने में इस तरह से कतराते हैं, इस कदर उनके जहन में डर होता है। ये वो तमाम समस्याएं हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, मगर इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा। उससे भटकाने का पूरा मानो एक प्लान हमारे सामने है। और अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों हमारे मजदूरों को 5 हफ्ते तक ट्रेन से अपने घर नहीं भेजा गया था। दो चीजें अब तक हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 5 हफ्ते का वक्त गुजर गया है। नंबर एक, जो भी गरीब अपने घर जाए उसकी सही तरीके से टेस्टिंग हो, ताकि अगर उसमें कोरोना वायरस है तो वो गांव ना पहुंच सके, नंबर एक। दूसरा ये कि जब गरीब वापस गांव जाए तो गांव और मुफसिल इलाकों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो मजबूत स्थिति में है। सबसे पहले तो हम पहली बात करते हैं कि क्या उसकी उचित टेस्टिंग हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, टेस्टिंग किट्स मंगवाता है चाइना से, और कुछ दिनों बाद उन टेस्टिंग किट्स में समस्याएं पेश आने लगती हैं। ICMR फिर राज्यों से कहता है कि इन टेस्टिंग किट्स का आप इस्तेमाल न करें, क्योंकि इनमें ढेरों दिक्कतें हैं। यानी कि आज की तारीख में जो गांव वाला वापस अपने गांव जा रहा है उसकी उचित टेस्टिंग नहीं हो रही है। उसका सिर्फ आप तापमान देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, और वो गांव जा रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह आशंका जतलाई थी कि 10 में से 3 लोग जो गांव जा रहे हैं, आज से कुछ दिनों पहले की बात है, 10 में से 3 लोग जो गांव वापस जा रहे हैं वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तो सवाल यह कि अब जब आपने 5 हफ्ते बाद का समय दिया, अभी भी तो उनकी टेस्टिंग सही तरीके से हो नहीं रही है। अभी भी ये मजदूर, ये गरीब लोग कोरोना वायरस लेकर गांव की तरफ जा रहे होंगे। तो आपने पिछले 5 हफ्तों में क्या किया? अगर आप 5 हफ्ते पहले उसको जाने की इजाजत दे देते तो कम से कम उसके जेब में चंद रुपए तो होते, कुछ पैसे तो होते। आज वो बदतर हालात में, बुरे हालात में अपने गांव वापस जा रहा है। गांव में भी अनिश्चितता है, वहां पर भी उसे नहीं पता कि किस तरह का भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। पिछले 5 हफ्ते से जो शहरों में रहा वो बद से बदतर हालात में रहा, जैसे सूरत में ढेरों मिसालें सामने उभर कर आईं, दिल्ली में भी ऐसी मिसालें उभर कर आईं,
बेंगलुरु में भी ऐसी मिसालें सामने उभर कर आईं। इन तमाम जगहों पर जो हमारा गरीब था वो बद से बदतर हालात में जी रहा था। मुंबई में भी ऐसी मिसालें सामने उभर कर आईं, तो आपने उसे रोक कर क्यों रखा? और हमारी इस थ्योरी को यह खबर सही साबित कर रही है। 7 मजदूर जो मुंबई से वापस आए उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, जो कि लखनऊ से 260 किलोमीटर दूर है, ये 7 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। इसका अर्थ ये लोग जो मुंबई से निकले, ना इनकी कोई टेस्टिंग हुई, नतीजा अब इनसे जुड़े बाकी लोग भी कोरोना वायरस संक्रमित होंगे। आखिर इसकी कोई जवाबदेही है क्या? इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आपने ठीक से प्लानिंग नहीं की। आपको सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करना आता है, यानी कि कोई बड़ी घटना है तो उसको लेके एक रॉक शो कर डालो, थाली बजाओ ताली बजाओ, हैं? कुछ लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के लिए रविवार को तालियां बजाने वाले थे। बाद में प्रधानमंत्री को किसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ये चीज बैकफायर कर सकती है, और फिर उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया कि कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी के लिए ताली बजाई जाए। ऐसा कोई ना करे, खुद प्रधानमंत्री को सामने आकर ऐसा करना पड़ा था। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सब कुछ इवेंट मैनेजमेंट है, बुनियादी मुद्दों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और अब मैं आपका ध्यान जो है वो खींचना चाहूंगा कि जो हमारी स्वास्थ्य वहां सेवाएं हैं उनको लेकर क्या असल स्थिति है। और इसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा एक अहम सरकारी बैठक की ओर। एक सरकारी बैठक होती है जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं और तमाम स्वास्थ्य सचिव होते हैं, और उसमें कुछ डेटा पेश किया जाता है। सबसे पहला डेटा आइसोलेशन बेड्स को लेकर, यानी कि जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उन्हें अलग बिस्तरों में रखा जाए। इसको लेकर जो आंकड़ा सामने उभर कर आता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ये सरकारी आंकड़ा है, 183 जिलों में 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं, और इन 183 जिलों में 67 डिस्ट्रिक्ट्स कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यह बात सामने उभर कर आई। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 3 राज्यों की यहां पर हालत बहुत खराब है, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से 53 ऐसे जिले हैं जहां 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं, और इन 53 में से 31 ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। दूसरे नंबर पर आता है बिहार। बिहार में कुल 38 जिलों में से 20 ऐसे जिले हैं जहां 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं। आइसोलेशन बेड्स वो, यानी कि अगर आप कोरोना वायरस से संक्रमित हैं तो आपको अलग बिस्तर दिया जाए, और इन 20 में से 9 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना वायरस फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर असम। असम में कुल 33 जिलों में से 19 ऐसे जिले हैं जहां 100 से कम आइसोलेशन बेड्स हैं, और इन 19 जिलों में से 6 ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं। यह अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। यह बात तो हो गई आइसोलेशन बेड्स की। अब हम बात करते हैं आईसीयू बेड्स, इंटेंसिव केयर यूनिट की जो काबिलियत है, क्षमता है। इस सरकारी मीटिंग में यह बताया गया कि भारत में 143 ऐसे जिले हैं जहां कोई भी आईसीयू बेड्स नहीं है, एक भी आईसीयू बेड्स नहीं है, और इन 143 जिलों में 47 ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस संक्रमित हैं। यहां पर भी उत्तर प्रदेश जो है सबसे ऊपर है, यानी कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 34 जिलों में एक भी आईसीयू बेड नहीं है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। यहां पर मध्य प्रदेश के 31 जिलों में एक भी आईसीयू बेड नहीं है, और इन 31 जिलों में से 11 ऐसे जिले हैं जो कोरोना वायरस संक्रमित हैं। यह मुद्दा मैं आपको क्यों बता रहा हूं, यह मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हमारी जो तैयारी है हमारे गांव में, हमारे जिलों में, वो नाकाफी है। तो फिर से मैं वो आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इतने दिनों तक आपने हमारे मजदूरों को, गरीबों को क्यों रोक कर रखा?
पहले पांच हफ्ते पहले ही आप इंतजाम कर देते उनके घर जाने को लेकर, क्योंकि आपने कोई तैयारी नहीं की इन पांच हफ्तों में। इस खबर के मुताबिक आज की तारीख में आपके पास सही टेस्टिंग किट्स भी नहीं है, यानी कि गरीब मजदूर जो गांव जा रहा है, हम ये भी नहीं पता लगा पा रहे हैं कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है या नहीं है, वो ऐसे ही जा रहा है। नंबर दो, अब वो जा तो रहा है मगर अगर वहां पर कोरोना वायरस का ज्वालामुखी फट पड़ता है तो क्या वहां पर तुमने पिछले पांच हफ्तों में उचित इंतजाम किए? जवाब है ना। और एक और मुद्दे की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई? प्रधानमंत्री ने देश की शिक्षा की जो मौजूदा व्यवस्था है उस पर उन्होंने चर्चा की, और इस खबर के मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे डेलिब्रेटेड ऑन रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड इन द एजुकेशन सेक्टर इंक्लूडिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस तरह के सुधार चाहिए इस पर उन्होंने चर्चा की। इस खबर के मुताबिक उन्होंने इस बात पर भी गौर किया कि किस तरह से इस वक्त हमारे तमाम स्कूल्स जो बंद हैं वहां पर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और कई जगहों पर बहुत अच्छे से हो रही हैं। देखिए, जहां तक सरकारी स्कूल्स हैं जिन्हें सरकार की तरफ से पैसा मिलता है वो तो चल जाएंगे बाद में, यही नहीं जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनके पीछे बड़े बड़े ट्रस्ट्स हैं वो भी चल जाएंगे, वो भी चलते रहेंगे। मगर हो क्या रहा है, चूंकि ये स्कूल्स बंद हैं, कई जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, और ये मुद्दा बहुत अहम है, इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं चाहता हूं अगर सरकार मेरी इस बात को सुन रही है तो इस पर गौर करे, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, छोटे छोटे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां हमारे काफी बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पीछे बड़े बड़े ट्रस्ट्स नहीं हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, चूंकि उन्हें फीस नहीं मिल रही है, चूंकि उनकी हालात खराब हैं, इसके चलते ये स्कूल्स बंद हो जाएंगे। इन स्कूल्स के लिए अपना काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं हम, इसके चलते इन स्कूल्स की बेतहाशा दिक्कतें हैं। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गौर कर रहे हैं, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम यहां उनके पॉलिसी मेकर्स उचित प्लानिंग करेंगे, सही तरीके से प्लानिंग करेंगे। और जाते जाते एक और चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह खबर सामने उभर कर आई है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन और उसके आसपास के इलाकों के सौंदर्यकरण की जो योजना है उस पर अंतिम मोहर लगा दी है। इस वक्त क्या इस चीज की जरूरत है? क्या दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और वो जो पूरा इलाका है उससे ज्यादा खूबसूरत कोई जगह है? तो उसमें तुम हजारों करोड़ों रुपए क्यों लगा रहे, बताओ। और यही नहीं, क्या यह जरूरी नहीं है कि सरकार इस बात की घोषणा करे कि तुम बुलेट ट्रेन योजना है उस पर लगाम लगा दो? मैं जानता हूं कि सब कुछ इस सरकार के बारे में इवेंट मैनेजमेंट है, मगर आज देश के सामने उससे ज्यादा गंभीर चुनौती है जिससे आप और हम बच नहीं सकते। आंखें मूंद लेने से वो समस्या भाग नहीं जाएगी मित्रों। बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार।